हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके पर्सन आपको ऑनलाइन देखकर क्या सोचते हैं माय डियर? आपको जब भी वो ऑनलाइन देखते हैं क्या सोचते हैं? आपके पर्सन आपको ऑनलाइन देख के क्या सोचते हैं? चलिए देखते हैं। आपके पार्टनर आपको ऑनलाइन देख के क्या सोचते हैं माय डियर? कार्ड सिस्टम की हो गए। जब भी वो आपको ऑनलाइन देखते हैं क्या सोचते हैं? आपके पर्सन आपको ऑनलाइन देखकर क्या सोचते हैं? तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन जब भी मेरे व्यूवर्स को ऑनलाइन देखते हैं तो क्या सोचते हैं? टू ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ। आपके पर्सन आपको ऑनलाइन देख के क्या सोचते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर जब भी उनको ऑनलाइन देखते हैं क्या सोचते हैं? हैंग्ड मैन, पेज ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ वैंस, फाइव ऑफ वैंस, ओ माय गॉड। तो चलिए, कार्ड्स आपको जरूर दिख रहे होंगे। तो आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, खासतौर से पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स ही इन्वॉल्व है, यहाँ पाइसिस है। लियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड एरीज लियो सजिटेरियस और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की भी एनर्जी है। तो पहली बात कि जब भी वो आपको ऑनलाइन देखते हैं, पहले तो ये है कि आपके पार्टनर आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनका प्यार जो है फैक्चुएशंस वाला है, क्योंकि ये वाटर साइन वाले अगर हैं तो। अगर आपके पार्टनर वाटर साइन यानी कि खासतौर से पाइसिस हैं, स्कॉर्पियो हैं या कैंसर भी कह सकते हैं, सबसे डीप पाइसिस है, उसके बाद स्कॉर्पियो है, उसके बाद कैंसर साइन है, पाइसिस हैं, तो माय डियर ये पार्टनर जो आपके हैं डे ड्रीमिंग नाइट ड्रीमिंग करते हैं, इनकी जो इमोशंस है बहुत फैक्चुएट होती है। कैंसर साइन वाले हैं, उनकी भी इमोशंस बहुत फैक्चुएट होती है, कभी हाँ कभी ना, कभी यस कभी नो, एंड कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसी थिंकिंग उनकी होती है। और अगर ये पर्सन स्कॉर्पियो है माय डियर, तब तो मत पूछिए कि ये कितने जेलस होते हैं, कितने तकलीफ़ में चले जाते हैं, एक गैजेट दिल में बना के रखते हैं, गैजेट रखते हैं कि आप कैसे उनको चीट कर सकते हैं, कैसे उनको क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं स्कॉर्पियो वाले, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एंड जो चीज़ें उनके दिल में रह जाती है वो रह जाती है। तो बहुत और जेलस बहुत होता है अपने पार्टनर को, अगर किसी भी वे में अगर नेगेटिव थॉट्स आ जाए तो अगर ये तीन साइन वाले तो बहुत, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो ओवरऑल एनर्जी, जहाँ आपके पर्सन ऑनलाइन आपको देख के डेफिनेटली प्यार अनकंडीशनली ये पर्सन आपको करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इमोशनली अगर उन्हें कोई सेटिस्फाइड कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन यानी अनकंडीशनल प्यार बहुत करते हैं, एंड आपके प्यार में ये डूबे हुए हैं, आपके प्यार में ये डीप गए हुए हैं, पाइसिस तक गए हुए हैं। अगर एस्ट्रो चार्ट के अनुसार देखें तो पाइसिस लाइक अ सरेंडर, तो प्यार में डीप है, भले ही ये एक्सप्रेसिव इनका प्यार नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आता होगा, आप ऑलवेज कंफ्यूज रहते होंगे। अगर आप कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो को डील कर रहे हैं माय डियर,
तो हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि आखिर इस इंसान के दिल में चल भी क्या रहा है, क्या ये इंसान प्यार करता भी है या नहीं करता है। हमेशा ये क्वेश्चंस ऑलवेज आपके माइंड में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये कभी एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, कभी भी ये अपने प्यार को दिखाते नहीं हैं, कभी ये जताते नहीं। इनका प्यार दिखाने का तरीका है आपको सपोर्ट करना, इनका प्यार दिखाने का तरीका है आपके हाँ में हाँ कर देना, इनका प्यार दिखाने का तरीका है आप जैसे बोल रहे हैं हाँ में हाँ कर देंगे, आपके लिए जो आप कहेंगे वो कर देंगे, एंड जो कहेंगे जैसे कहेंगे सपोर्ट कर देंगे, एंड आपके लिए स्टैंड लेंगे, स्टैंड लेने वाले इंसान हैं, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ये वो पर्सन है। एंड जब भी अगर ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, इनके माइंड में ड्यूअलिटी थॉट्स आते हैं, ड्यूअल क्योंकि यहाँ ओवरऑल एनर्जी ही कैंसर, और यहाँ भी आप देख सकते हैं तो ड्यूअल थॉट्स आते हैं, कहीं आप इनको देख के बहुत खुशी होता है, आपको अगर ऑनलाइन देखे तो इनका फर्स्ट इम्प्रेशन ये यही होता है कि आप इनकी फैमिली है, आपके साथ फुलफिलमेंट है, क्योंकि आपको पाकर ये एक फैमिली की वाइब्स फील करते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट फील करते हैं, एक हैप्पी एवर आफ्टर जो मैरिज लाइफ होती है जिसमें हम और हमारे बच्चे, वैसी फीलिंग्स इनकी अंदर इन्वॉल्व होती है, फीलिंग्स जो है फील करते हैं कि आप और आपके बच्चे एक ही फ्रेम में कैसे दिखेंगे, तो आपको पाकर एक मैरिज लाइफ फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, ड्रीमिंग जो है चलती है इनकी, वैसी सोच होती है क्योंकि फुलफिल फील करते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप इनके स्पाउस बन जाओ, बहुत सारे लोग होंगे भी, अगर आप इनके स्पाउस बन जाओ या स्पाउस हैं तो पूरा दुनिया जो है कंप्लीट फील होता है। तो डेफिनेटली कंप्लीशन ज़रूर है। एक इनकी पॉजिटिव साइड देखें तो आपको ऑनलाइन देख के बहुत स्टेबल फील करते हैं एंड फुलफिल फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही इनको संभाल सकते हो, आप ही इनको कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो इनकी डिज़ायर है, चाहे इनका निगेटिव आस्पेक्ट है, मतलब नेगेटिव इनके जो भी चीज़ें हैं, आप ही उनको सही रास्ते ले जा सकते हो, आप ही इनको सही मार्गदर्शन कर सकते हो, आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ की भी एनर्जी, ये पॉजिटिव साइड में बता रही हूँ, उसके बाद और भी क्योंकि यहाँ बहुत सारी एनर्जी है, तो क्योंकि डे ड्रीमर नाइट ड्रीमर तो है ही, आपके पार्टनर ड्रीमिंग बहुत करते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, चाहे स्टक सिचुएशन है, चाहे कुछ भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, थर्ड पार्टी डेफिनेटली आप दोनों के सिचुएशन में इन्वॉल्व है माय डियर, थर्ड पार्टी है एंड थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको स्पाई करते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं एंड बहुत ज़िद्दी भी है एंड बहुत गुस्से वाले इंसान हो सकते, गुस्सा आता है उनको क्योंकि नाइन ऑफ वैंस, फाइव ऑफ वैंस एंड द स्ट्रेंथ की एनर्जी, अपने आप को ये कंट्रोल करके रखते, गुस्सा बहुत जल्दी चढ़ता है इनको अगर ये आपको ऑनलाइन देखते हैं तो, क्योंकि यहाँ स्पाइंग की एनर्जी है, आपको अलग अलग अकाउंट से ये स्पाई करते रहते हैं, अलग अलग अकाउंट से स्पाई करते रहते हैं, आपको ये ऑब्जर्व करते हैं, और ऑब्जर्वेशन में जब भी वो आपको लॉन्ग टाइम तक सोशल मीडिया पे देखते हैं तो उनके दिल में ज़रूर ये होता है कि आप किसी और को भी डील कर रहे हैं और इस इंसान को चीट कर रहे हैं, दिमाग इनका इधर ही ख़राब हो जाता है, स्टक हो जाता है, क्योंकि ओवर नेगेटिव थॉट्स ये क्रिएट करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपको पाना एक कॉम्पिटिशन्स के जैसा है, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, एक फाइट नज़र आता है, एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, एक चैलेंज नज़र आता है और एक कॉम्पिटिशन्स भी इनको नज़र आता है, ये अगर आपको सोशल मीडिया पर देखते हैं तो बहुत टेंशन क्रिएट होता है एंड, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़िद्दी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है इसीलिए आपको स्पाइक करते हैं, बहुत ज़िद्दी हैं एंड बहुत ही ज़्यादा वुंडेड हैं, कुछ भी हो जाए आपको छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ गुस्सा बहुत आता है आपको ऑनलाइन देख के, अपने गुस्से को ये बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और गुस्से को कंट्रोल में रखते भी हैं, ये कभी भी आपको सामने से नहीं कहते हैं कि तुम क्यों थे सोशल मीडिया पे, क्या कर रहे थे, क्योंकि अगर ये दो क्वेश्चंस नहीं होते ना कि तुम क्यों सोशल मीडिया पे इतने टाइम से एक्टिव थे, मैंने देखा और इतने टाइम से क्या कर रहे थे,
क्या काम था। अगर ये क्वेश्चंस ये नहीं पूछते हैं तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि इनको गुस्सा ज़रूर आता है, अगर ये क्योंकि उससे रिलेटेड ये बात ही नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया पे थे, आप सोशल मीडिया पे आपने टाइम बिताया, आपने सोशल मीडिया पे बहुत लंबा टाइम आपने बिताया है, जो यहाँ दिखता है कि आप बहुत लंबा टाइम सोशल मीडिया पे रहते हैं एंड बहुत स्टेबल वे में रहते हैं। एंड ये देखते हैं जब भी इनका दिमाग बहुत गुस्से में होता है, लेकिन अपने आप को ये कंट्रोल करते हैं एंड ओवर थिंकिंग ज़रूर करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ कमिटेड हैं, आप किसी और के साथ हो सकते हैं एंड इस इंसान को आप कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग ज़रूर होती है। एंड यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली ऑब्सेशंस भी होता है, यानी जेलसी भी होती है, ऑब्सेशन हो जाता है कि कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाओ। तो ओवर थिंकिंग, ओवर निगेटिव थाट्स ज़रूर क्रिएट होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे थॉट्स जब वो शुरू में लंबे समय तक अगर आप रुकते हैं तो इनको टेंशन होता है माय डियर, लॉट्स ऑफ गुस्सा इनको होता है। गुस्सा टेन ऑफ वैंस की एनर्जी है, बहुत गुस्सा होता है, वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि आप इनको ऑर्थोडॉक्स बोलोगे, आप इनको लोअर माइंडसेट के बोलोगे, यानी एक लोअर क्वालिटी माइंड सेट वाले इंसान को कहोगे या ऑर्थोडॉक्स टाइप के ट्रेडिशनल इंसान कहोगे, जिसके वजह से ये बोल नहीं पाते हैं। वो बर्डन को, वो एनर्जी को, वो गुस्से को अपने अंदर ही ये पी जाते हैं, क्योंकि ऐसे भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में पी जाते हैं। एंड ऑनलाइन देख के आपको लेकर उनको यही लगता है कि आप किसी, कोई भी आपको स्पाउस बनाना चाहेगा आपको लेकर। आप हो सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो, आपको सोशल मीडिया पे फ़ैन फॉलोइंग भी हो सकती है, लाइक अ स्टार की एनर्जी है, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं एंड आप सोशल मीडिया से कमाते भी हैं, यानी इनकम भी होती है, तो और भी ज़्यादा ये टेंशन आता है क्योंकि आपको एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, एंड इनको टेंशन ज़रूर होता है क्योंकि अगर वो इस बात पे बातें करें तो कहीं ना कहीं आप दोनों के प्रोस्पेक्टिव जो है अलग हो जाता है, यानी आप दोनों जो हैं एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं होते हैं, यानी कि डिसएग्रीमेंट, या फिर कहें दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो टेंशन होता है, बहुत टेंशन होता है, लेकिन ये पेशेंस बना के रखते हैं एंड इंटेलेक्चुअली ही चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं, यानी कि दिमाग से इस रिश्ते को चलाना चाहते हैं। इमोशनली अनएनेबल हो जाते हैं, यानी इमोशंस को पीछे कर देते हैं एंड आपके सामने हॉट एंड कोल्ड आप इनका बिहेवियर हो जाता है। तो अगर आपके पार्टनर का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है, अगर आपके पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपसे बातें ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपको से बहुत सारी चीज़ें छिपाते, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक पनिशमेंट देने के जैसा ही है, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट टाइप की टेंडेंसी जो है इनमें आ जाती है, क्योंकि वो सामने से बोल नहीं सकते हैं तो साइलेंट ट्रीटमेंट देके, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करके, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करके, एक रोमांटिक जेस्चर जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाते हैं एंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, लॉजिकल वे में आपको वो डील करते हैं, जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता है, ये इंसान आपको चीट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप भी जो है टेंशन में आ जाते हैं इनके बिहेवियर से, इनके एक्शन से, इनका हॉट एंड कोल्ड या साइलेंट ट्रीटमेंट वाला जो बिहेवियर ये करते हैं ना, जेलसी के वजह से करते हैं, और वो जेलसी आपको नहीं पता है कि वो कहाँ दबा के रखते हैं और कब ये निकालते हैं। तो अगर लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट है या लंबे समय से आप दोनों के बीच में किसी भी चीज़ को लेकर डिसएग्रीमेंट है, तो इसमें जेलसी इन्वॉल्व है, इसमें कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा है वो इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आपको वो नहीं कह पा रहे वो चीज़ें इन्वॉल्व है, और वो दूसरे तरीके से वो बदला निकालते हैं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी सारे साइन बता दिए, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी मेरी रीडिंग पसंद आई हुई माय डियर, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी ना भूले। प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।